तो दोस्तों हम सभी SD कार्ड यूज करते ही हैं, तो अगर आप एक SD कार्ड यूजर हैं या फिर एक SD कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने काम के हिसाब से कौन सा SD कार्ड लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके काम के हिसाब से आपको लिए कौन सा SD कार्ड परफेक्ट है तो आपको ये बात मालूम नहीं चाहिए, नहीं तो कोई भी आएगा आपको पप्पू बना देगा। तो दोस्तों चलिए लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मोब ट्रिक्स। तो दोस्तों SD कार्ड की यहाँ मैं हिस्ट्री बायोग्राफी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको क्लियर कट बात बताऊंगा कि आपको आपके काम के लिए कौन सा SD कार्ड लेना चाहिए। तो SD कार्ड दोस्तों अलग अलग टाइप्स के आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, लेकिन हमको SD कार्ड में जो देखना होता है वो SD कार्ड की स्पीड क्या है, SD कार्ड की रीड स्पीड क्या है और SD कार्ड की राइट स्पीड क्या है। रीड स्पीड तो आपको आमतौर पर लगभग सभी में अच्छी मिली जाती है, तो मेन क्या रहता है SD कार्ड की जो राइट स्पीड है, जिस स्पीड से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं SD कार्ड में, वो सबसे मेन बात रहती है। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि किस SD कार्ड की राइट स्पीड क्या है। तो SD कार्ड की राइट स्पीड उसके ऊपर ही लिखी रहती है, जैसे कि अगर कोई SD कार्ड है उसमें लिखा रहेगा कि 2 क्लास का SD कार्ड है, तो उसकी स्पीड है 2 MB/s, मतलब 2 MB/s की स्पीड से आप उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अगर जैसे 4 है तो 4 MB/s, अगर 6 है तो 6 MB/s, अगर 10 है तो 10 MB/s, सिंपल सा है। इसके ऊपर भी आता है UHS-1, UHS-3, तो उसका मतलब हुआ अल्ट्रा हाई स्पीड, मतलब वो उसकी बात चलो बाद में करेंगे। तो 10 क्लास तक आप कोई भी SD कार्ड यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के लिए, तो मोबाइल फ़ोन के लिए। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई ये सही है 10 क्लास का, लेकिन 10 क्लास का तो ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा महंगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अब आपको आपके काम के हिसाब से SD कार्ड लेना है, क्योंकि हमको पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्च करना है। तो दोस्तों अगर आपको कोई मूवी वगैरह, वीडियो वगैरह, म्यूजिक वगैरह स्टोर करके रखना है केवल अपने SD कार्ड में, तो आप यूज कर सकते हैं 4 क्लास का, आप स्टोर कीजिए और प्ले कीजिए। लेकिन जब बात आती है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की, ब्रस्ट में फोटो शूट करने की, खट 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 खट, तो उसके लिए आपको चाहिए रहता है एक हाई स्पीड वाला SD कार्ड, जो कि आपको 6 क्लास या फिर 10 क्लास का लेना पड़ेगा। 6 क्लास में आप फोटो वगैरह अच्छे से शूट कर पाएंगे और वीडियो भी अच्छे से शूट कर पाएंगे HD मोड में या फिर फुल HD मोड में। लेकिन अभी तो कैमराज में ऑप्शन आ गए हैं आपके मोबाइल फ़ोन में कि आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन 4K रिकॉर्डिंग करोगे कैसे, आपका उतना स्पीड एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए आपका जो मेमोरी कार्ड है। तो उसके लिए आपको 10 क्लास का आपको कोई भी SD कार्ड लेना पड़ेगा, क्योंकि 4K में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर फुल HD में रिकॉर्डिंग करते हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो उस साइज से आपके मेमोरी कार्ड में स्टोर भी तो होना चाहिए। आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 10 MBPS/s के हिसाब से और आपका जो मेमोरी कार्ड एक्सेप्ट करता है 6 MB/s के हिसाब से एक्सेप्ट करता है, तो बाकी की MB कहाँ जाएगी भाई। तो उसके हिसाब से आपको अपने, अगर आप 4K या फिर फुल HD रिकॉर्डिंग करते तो आप 10 क्लास के साथ ही जाइए और 10 क्लास का मेमोरी कार्ड लीजिए। तो आजकल 10 क्लास भी आपको कम भाव में मिल जाता है, 500 में तकरीबन आपको 32 GB तक का मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जब बात आती है कैमराज की, कैमराज में आप कोई भी फ़ोटो लेते हैं तो उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, और कैमरा में अगर आप रिकॉर्डिंग करते हैं फुल HD या फिर HD तो भी उसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा है, तो साइज़ ज़्यादा है तो उसको स्टोर करने के लिए ज़्यादा हाई स्पीड चाहिए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा आपको डेटा स्टोर करने का है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, अल्ट्रा हाई स्पीड वाले आपको SD कार्ड की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप UHS-1 या फिर UHS-3 आप SD कार्ड ले सकते हैं। अगर आपको 4K में रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको अल्ट्रा हाई स्पीड 3 ही लेना पड़ेगा आपको, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, नहीं तो आपके कैसा है फिर आप मज़ा नहीं ले पाएंगे ना भाई। आप कैमरा इतना अच्छा लिए, 40,000-50,000 का कैमरा लिए, फिर उसके बाद अगर आप मेमोरी कार्ड में कंजूसी कर देंगे तो फिर मतलब नहीं आएगा। तो अगर आपके पास, या फिर मिनिमम आप कम से कम एक 10 क्लास का तो अपने कैमरे में आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि मेरे में खुद में 10 क्लास लगा है तो मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। तो बस दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके म्यूजिक वगैरह स्टोर करके रखना है तो आपको 4 क्लास तक आप ले सकते हैं, अगर आपको HD रिकॉर्डिंग करनी है, फोटो वगैरह शूट करना है तो आप 6 क्लास का ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल सब लोग के में चल जाता है। अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग, फुल HD रिकॉर्डिंग करनी है तो आप ले सकते हैं 10 क्लास का। अगर आपको अपने कैमरे में बेसिक यूज करना है, ज़्यादा ब्रस्ट मोड में फ़ोटो नहीं खींचनी है, 4K रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, तो आप 10 क्लास का SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं अपने कैमरे में। अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करनी है अपने कैमरे के साथ फुल HD में या फिर ब्रस्ट में फ़ोटो शूट करना है धड़ 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 धड़, तो आपको लेना पड़ेगा अल्ट्रा हाई स्पीड 1 या फिर अल्ट्रा हाई स्पीड 3 का क्लास,
मतलब मेमोरी कार्ड। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस काम के लिए कौन सा आपको एसडी कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना है, जो काम के लिए आपको जो सूटेबल है आप वही चीज़ लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कुछ फेवरेट मेमोरी कार्ड्स की लिंक दिया हो, तो आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों लोगों के साथ में। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो। तो चलिए मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड डे एंड टेक केयर।